टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता में अब तक आपने देखा कि बहुत बड़े ट्विस्ट आए, लेकिन इससे भी बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। अबीरा की माँ अक्षरा शर्मा और हीरोइन का परिवार के बीच का कनेक्शन सबके सामने आने वाला है। ये रिश्ता क्या कहलाता में खुशी का माहौल। दरअसल रूही माँ बनने वाली है और ऐसे में गोइन का हाउस के साथ साथ पोदार हाउस में भी जश्न है। रूही जिंदगी के नए सफर की शुरुआत नए सिरे से करना चाहती है, इसलिए वो अबीरा की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएगी और सब कुछ भुलाकर फ्रेश रीस्टार्ट करने की कोशिश करेगी। लेकिन फिर कुछ ऐसा होगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा और दूरियां बढ़ जाएंगी। प्रोमो की शुरुआत में फूफा साहब बड़े पापा की वसीयत पढ़ते नजर आते हैं। बड़े पापा की वसीयत पढ़ने के बाद फूफा साहब का पता चलता है कि बड़े पापा ने अपने आधी दौलत को अबीरा के नाम कर दिया है। वो हैरान रह जाता है, वो पूरी वसीयत पढ़ता है और फिर उसे पता चलता है कि रूही और अबीरा बहनें हैं। जब फूफा साहब घर पहुंचते हैं तो वो रूही और अबीरा को साथ देखकर हैरान हो जाते हैं। रूही अबीरा से कहती है कि क्या हम पुरानी बातें भुलाकर आज एक नई शुरुआत कर सकते हैं। अबीरा कहती है हाँ बिल्कुल, ऑफिशियली आज दोस्ती कर लेते हैं। इसके बाद अबीरा रूही को गले लगाती है। फूफा साहब दोनों का प्यार देख कर जल कुड़ जाते हैं। महनों के इस नए नवेले प्यार की उम्र बहुत छोटी है। अबीरा तुम्हारा यहाँ जीना मुश्किल होने वाला है क्योंकि मैं सबको बताने वाला हूँ कि तुम रूही की माँ की कातिल की बेटी हो। फूफा साहब के ये ख्याल बता रहे हैं कि सब कुछ बर्बाद होगा और रिश्ता बिल्कुल खत्म हो जाएगा।